हेलो गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जियो का सिम जो है वो किसी को एसएमएस नहीं भेज पा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर जो है लिखकर हेलो लिखकर भेज देता हूँ, तो गाइस यहाँ पर जो है एक आइकन लगा हुआ था आई का, जो डेंजर्स होता है, यानी कि ये जो हमारा एसएमएस है नहीं जा रहा। तो यह मैं दोबारा भेजने की कोशिश करता हूँ तो ये दोबारा नहीं जा रहा। तो मैं यहाँ पर दोबारा जो है कोशिश कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि कोई प्रॉब्लम वैसी तो नहीं है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं हमारे 4 SMS गए हैं और 4 में से एक का एक भी नहीं पहुँच पाया है। तो अब इसमें रीज़न क्या होता है और क्या इसका सलूशन होता है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जियो के सिम में हमारे जो है SMS सेंड क्यों नहीं हो पाते। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर आपको जिस नंबर पर आप भेज रहे हैं वो नंबर चेक कर लेना है। अगर आपका नंबर गलत है तो गाइस वो SMS नहीं जा पाएगा। और दूसरी कंडीशंस गाइस ये है कि आपको जिस सिम से आप SMS कर रहे हो उसका बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं होगा तो सिम जो है SMS नहीं भेज पाएगा। तीसरा ये गाइस कि आपको चेक कर लेना है कि आप भेज किस सिम से रहे हैं। अब मान लीजिए अदरवाइज आपने एक में जियो का सिम डाल रखा है, दूसरे में एयरटेल वोडाफोन आइडिया कोई सा भी सिम डाल रखा है, तो यहाँ पर जो है आपको एक सिंबल मिलता है कि यहाँ पर कौन से सिम से जा रहा है, पहले से या दूसरे से। अब बहुत से लोग ऐसे होता है कि दूसरे से करने लग जाते हैं लेकिन बैलेंस उनका पहले में पड़ा होता है, तो बाय मिस्टेक वह SMS नहीं जा पाता और यहाँ पर वो पेंडिंग लग जाती है। तो यहाँ पर आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपकी हो गई, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई। और सबसे एंड में जो आती है हमारी टाइम एंड डेट की प्रॉब्लम आती है। अगर आपका टाइम एंड डेट सही नहीं है तो भी आपके जो है SMS नहीं जा पाएंगे, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। बाकी जो आपका जो यहाँ पर SMS वगैरह हैं उन सबको डिलीट करते रहिएगा। तो उसको डिलीट करने के लिए तो मैं आपको बता दूंगा, आप ख़ुद भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में कौन से सिम से SMS जा रहे हैं और टाइम एंड डेट को आप कैसे सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सेटिंग्स में जाना होता है और यहाँ पर सिम मैनेजमेंट में आपको चले जाना होता है। तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट सिम सेटिंग्स मिल जाती हैं। पहली जो है हमारे डेटा की है, वॉइस की है, और तीसरे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेजिंग की है जो हमारे जियो पर लग रही है। आप एक पर पर्टिकुलर पर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पर ऑलवेज़ आज पर क्लिक करिए क्योंकि ये आपसे हर दफ़े पूछेगा कि कौन से सिम से आपको करना है, या अदरवाइज़ आप जियो या वोडाफोन पर लगा सकते हैं जिसमें भी आपका रिचार्ज हो। अदरवाइज़ रिचार्ज नहीं है तो SMS नहीं जा पाएगा। तो ये तो हो गया चेक करने का, लेकिन टाइम एंड डेट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम एंड डेट, तो उसको खोल लेना है। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक टाइम एंड जोन पर क्लिक होना चाहिए और ऑटोमेटिकली टाइम एंड डेट पर भी क्लिक होना चाहिए। तो जब ये होगा तो आपकी जो कॉल है वो प्रॉपर लगेगी। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको जो है जियो में SMS सेंड करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर था गाइस मेरा कुछ ओपिनियन। अगर यहाँ पर आपका जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो मुझसे एक दफ़े कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर सॉल्व हो जाती है तो गाइस इस वीडियो को लाइक करना। बाकी अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी गाइस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो लाइक करना, लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।